शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सफदर शहीन साहब, आप लाइन पर रहिए। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपने बड़ी धड़ल्लेदार बातें की और आपने कहा मैं पहले भी ठीक कहता था कि असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी जाएँ और एमरजेंसी लगा दी जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए, और आप भी ये कह रहा हूँ कि जो है मुतफ़ा तौर पर जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए। लगता नहीं है अभी जो आज भी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनिए कि इस्तीफ़े जो है ना वो दे रहे हैं। आप तक चूँकि आप कोर टीम का हिस्सा हैं तो क्या दे रहे हैं इस्तीफ़े, नहीं दे रहे कोई, आप तक हैं इस तरह की मालूमात? शेख साहब देखिए हालात तो बहुत खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तशवीशनाक हो रहे हैं, आईनी बहरान पैदा हो रहे हैं, केपीके की असम्बली टूटने जा रही है, एजेके में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो आपने कहाँ लेके जाना है? बिल आखिर इलेक्शन करवा लें और सही किस्म के इलेक्शन करवा लें। अगर नहीं होंगे तो जंग होगी, मोहल्ले गली तक लड़ाई फैल चुकी है, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये लड़ाई कितनी तेजी से और महीने डेढ़ महीने में ये इतनी शदीद लड़ाई हो जाएगी कि किसी से संभाली नहीं जाएगी। इलेक्शन ही वायदा है, इसी पे जाया जाए।